हेलो मम्मीज वेलकम टू एनजी फंड लर्निंग आज की वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ छोटे बच्चों को आईएनजी रूल्स कैसे बताया जाए एक्चुअली कल मैं अपने बच्चे को इंग्लिश की स्टोरी रीडिंग करा रही थी तभी मैंने देखा आईएनजी वाले वर्ड्स बहुत ज़्यादा चैप्टर में आ रहे हैं और फिर एक्सरसाइज के एंड में उन्हें एक्शन वर्ड्स में आई एन ऐड करने को दिया हुआ है तो आई एन ऐड करते ही वर्ब में क्या चेंजेज आते हैं जैसे रन प्लस आई जब करते हैं तो यहाँ एन डबल हो जा रहा है कम प्लस आई कर रहे हैं तो कम का ई e ख़त्म हो जा रहा है इसी तरह से जब रीड में आई लगा रहे हैं तो कोई चेंज नहीं हो रहा है तो बच्चे को कैसे समझाया जाए कि कब तुम्हें लेटर्स को डबल करना है और कब तुम्हें लेटर को ड्रॉप करना है यही सब आज की वीडियो में हम जानेंगे तो वीडियो बहुत यूजफुल होने वाला है इसे अंत तक जरूर देखें पसंद आया तो लाइक करें शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें चलिए अब वीडियो शुरू करते हैं ऑल नो कि वर्ब में आईएनजी लगाने के बाद वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस बन जाता है पर क्लास वन के बच्चे को टेंस की बात नहीं बतानी है उसे बस बताना है कि जब भी कोई काम हो रहा है कंटिन्यूअस चल रहा है वो तब हम उस चीज को शो करने के लिए वर्ब में आई लगाते हैं और इसे आई लगाने के बहुत सारे रूल्स हैं वो वन बाय वन देखते हैं और इन रूल्स में सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है डबलिंग द फाइनल कॉन्सोनेंट आई लगाते समय लेटर्स को कब टू टाइम्स लिखना है इसके लिए रूल कहता है इफ वर्ब एंड इन अंसोनेंट वॉवेल एंड कॉन्सोनेट मतलब सी वी सी कॉन्सोनेंट एंड कॉन्सोनेट तब फाइनल कॉन्सोनेंट को डबल करते हैं जैसे सिट ये हो गया सी बी सी तो यहाँ पे फाइनल कॉन्सोनेंट टी डबल हो गया इसी तरह से गेट में भी टी डबल हो रहा है स्टॉप स्टॉप का पी डबल हो रहा है ये हो गया अब ये सिंगल सिलेबल की बात हो रही है जब वर्ब में दो सिलेबल्स हों और अगर फाइनल सिलेबल स्ट्रेस्ड है इसमें देखिए रेफर फर तो फाइनल कॉन्सोनेंट यहाँ भी डबल हो जाएगा आर हो गया डबल इसी तरह से फॉरगेट फाइनल सिलेबल पे स्ट्रेस है तो यहाँ भी टी डबल हो गया फॉरगेटिंग अब अगर फर्स्ट सिलेबल ही स्ट्रेस्ड है तो डू नॉट डबल द फाइनल कॉन्सोनेंट मतलब अगर यहाँ स्ट्रेस फर्स्ट वाले पे है एंटर एंटर तो यहाँ पे कोई डबलिंग नहीं होगी ऑफर Offer, ऑफरिंग कर रहे हैं तो आर डबल नहीं हो रहा है जैसे कि ऊपर में हो रहा था तो अगर सिंगल सिलेबल है तो फाइनल कॉन्सोनेंट डबल हो जाएगा आंख मूं कर लेकिन डबल सिलेबल वर्ड है तो हमें स्ट्रेस पे ध्यान देना है कि अगर फाइनल सिलेबल स्ट्रेस्ड है तो एंडिंग कॉन्सोनेंट को डबल करना है अगर फर्स्ट सिलेबल स्ट्रेस्ड है तो डबलिंग नहीं होगी सिंपली यही बच्चे को समझाना है सेकेंड रूल देखते हैं रिमूव द ई या रिमूव द साइलेंट लेटर ई ये रूल कहता है कि अगर वर्ब के एंड में ई e है मीन्स साइलेंट ई है तो ई e को ड्रॉप आउट करना है और आईएनजी लगाना है मतलब ई e को हटाकर आईएनजी लगाना है जैसे मूव आईएनजी मूविंग टेक टेकिंग लव लविंग राइट राइटिंग डाइन डाइनिंग हेट हेटिंग क्लोज क्लोजिंग इन सभी में ई e है लेकिन जब आईएनजी लगा रहे हैं तो ई e नहीं रहेगा ये हो गया अब इसके भी एक्सेप्शन हैं जैसे वर्क एंड में अगर डबल ई वाई ई या ओ ई e है तो फाइनल ई ड्रॉप नहीं होगा जैसे सी आई एन जी आने के बाद सी इंग फ्री इंग डाइंग डाई मे बी वाई ई है तो ई e को कैंसिल नहीं करना है डाइंग फुल स्पेलिंग रहेगी और बस आई एन जी आ जाएगी टिप टोइंग इस तरह से तो ये एक्सेप्शन भी बताना है बच्चे को कि ई हटाना है लेकिन डबल ई वाई ई वाले ई को नहीं हटाना है। अब आपके एंड में आई ई आ रहा है तो आई ई को हटाकर वाई लिखते हैं और आई एन जी एड करते हैं जी जैसे डाई तो डाइंग के लिए डी वाई आई एन जी आई ई हट गया और वहां पे वाई आई एन जी आ गया इस तरह से टाई टाई किसी चीज को बांधने के लिए बोलते हैं लेसेस बांध रहा है कोई तो टाइंग तो टी वाई आई एन जी लाइंग झूठ बोलने को तो एल वाई हो जाएगा इसके स्पेलिंग इस तरह से चेंज हो जाती है ये बच्चे को बताना बहुत जरूरी है कि इसके दो एक्सेप्शन है अगर वर्ब के एंड में डबल ई वाई ई ओ ई आ रहा है तो वहां कोई चेंज नहीं होगा बस सिंपली आई एन जी एड कर देना है लेकिन अगर आई ई से एंड हो रहा है वर्ब तो आई ई को हटाकर वाई लिखना है तब आई एन जी एड करना है ये हो गया अब थर्ड रूल देखते हैं नो चेंजेस रिक्वायर्ड अब वैसे वर्ड्स जहां ये सिचुएशंस नहीं आ रहे हैं ये सारे सिचुएशंस नहीं आ रहे हैं तो सिंपली वहां आईएनजी ऐड करना है विदाउट एनी चेंजेस इन वर्ब जैसे ईट प्लस आईएनजी ईटिंग यहां कोई स्पेलिंग चेंज नहीं हो रहा है वॉकिंग ड्रिंकिंग फिक्सिंग डूइंग टॉकिंग एट्सट्रा इस तरह के बहुत सारे वर्ड्स होंगे जहाँ केवल आई एन करना है काम खत्म ये हो गया लेकिन कुछ ऐसे वर्ड जहाँ सी एंड में आ रहा है तो आई लगाने के लिए उनके साथ पहले के ऐड करते हैं तब आई लिखते हैं जैसे पैनिक अब पैनिक सी से एंड हो रहा है लेकिन इसमें आई एन लगाते समय पहले के लिखते हैं तब आई तो इसका रूल हो गया के प्लस आई इसी तरह से ट्रैफिक अब जब ट्रैफिकिंग लिख रहे हैं तो सी के बाद के आई एन जी आ रहा है ट्रैफिकिंग नाउ वर्ब एंडिंग इन अ कॉन्सोनेंट वॉवल प्लस एल अब ऐसे वर्ड्स जहाँ सी वी एल आ रहे हों तो फाइनल एल डबल भी हो जाता है कई बार और कई बार नहीं डबल होता जैसे ट्रैवलिंग ट्रैवल में डबल एल लगाते हैं अगर ब्रिटिश इंग्लिश को फॉलो किया जा रहा है और सिंगल एल रखते हैं अगर अमेरिकन इंग्लिश को फॉलो किया जा रहा है सेम चीज़ है इक्वलिंग के साथ क्वेरलिंग के साथ यहाँ भी हमें दोनों देखने को मिल जाते हैं तो ये कुछ एडवांस चीज़ें हैं जो क्लास वन के बच्चों के लिए ज़रूरी नहीं है पर अगर रीडिंग कराते समय चांस आपको इस तरह के वर्ड्स दिख जाएं या बच्चे ने पूछ दिया तो आपको इस तरह से उन्हें समझा देना है ये हो गए सारे रूल्स वन बाई वन मैंने बता दिया पहला रूल कहता है कि डबलिंग कब होगी फिर है रिमूवल ऑफ ई ई कब हटाना है और थर्ड रूल कहता है कि नो चेंज इज़ रिक्वायर्ड ऐसे वर्ड्स भी हैं जहाँ कोई चेंज नहीं करना है अब क्लास वन में बच्चों को इस तरह से वर्ब को आईएनजी ऐड करके लिखने को दिया जाता है जैसे हिट तो ये अगर आपने रूल समझा दिया है बच्चे को याद है तो वो ईजिली इस चीज़ को करेगा हिट ये क्या है सी तो फाइनल कॉन्सोनेंट क्या हो जाएगा डबल हो जाएगा यानी डबल टी आई एन जी इस तरह से हो गया टैप टैप भी सी बी सी है तो यहाँ भी डबल पी आई एन जी टैपिंग इसी तरह से रविंग फ्लाई यहाँ पे सिंपली आई एन जी लिख देना है वॉकिंग भी नो चेंज रिक्वायर्ड वाला हो गया जंपिंग अगेन सिंगल सिलेबल वर्ड हो गया तो यहाँ पी डबल हो जाएगा वॉचिंग सेम रहेगा स्टॉपिंग फिर से पी डबल होने वाला है ड्राइविंग यहाँ फाइनल ई ड्रॉप आउट होगा ड्राइविंग इस तरह से इसकी हो जाएगी लुकिंग नो चेंज रिक्वायर्ड चेजिंग फिर से ई हटेगा और ऐस के बाद आई आएगा तो इस तरह से रूल समझाने के बाद बच्चे के रिवीजन के लिए कुछ एक वर्ब्स ऐसे लिख दीजिए और फिर बच्चे से कहिए अब तुम इनका आईएनजी फॉर्म लिख कर दिखाओ दैट्स ऑल फ्रेंड्स ये था आज का वीडियो अबाउट आईएनजी रूल्स आई होप ये वीडियो आपको यूजफुल लगेगी यूजफुल लगे तो लाइक करें शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक्स फॉर वॉचिंग बाय बाय